कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, मैं तिरुगी नारायण से 2 किलोमीटर पीछे था और उसके बाद में तिरुगी नारायण आया शाम को और यहाँ आते ही उप प्रधान जी से मुलाकात हुई और उन्होंने शाम को रहने की व्यवस्था कर दी थी। मैं तो सोच रहा था कहीं पे कैंपिंग करूँगा, एक्चुअली जंगल एरिया था तो काफ़ी मतलब डर भी लग रहा था यार, हल्का दुल्का है ना। तो फाइनली आज के दिन की शुरुआत करते हैं भगवान तिरुगी नारायण के इस पवित्र धाम, यानी जहाँ पे माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ का यहाँ पे विवाह हुआ था। और भी बहुत मतलब कि यहाँ पे रहस्य हैं तो मुझे सभी तो पता है नहीं, तो कोशिश करेंगे मंदिर में जा कर के वहाँ पे जानने की, तो आप लोगों तक भी पहुँचाएंगे। कल शाम मैं रुका था यहाँ पर। अभी मैं नहा धोकर के तैयार हो चुका हूँ, तो आइए दोस्तों आज दिन की शुरुआत करते हैं भगवान तिरुगी नारायण के दर्शनों के साथ। तो आइए आपसे कुछ बात करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। आज तो देखो मौसम भी साफ है, दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। देखो तुंगनाथ या मधमहेश्वर, पता नहीं कहाँ की होती है यात्रा। शादी पूजा पाठ की सब सामग्री मिल जाएगी और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं तिरुगी नारायण मंदिर में। तो केदारनाथ मंदिर है, उससे भी पुराना मंदिर यानी त्रेता युग का मंदिर बताया जाता है। स्थान का नाम है श्री तिरुगी नारायण। आप लोगों ने सुना है, देखा होगा कि हरिद्वार के पास में कंकल है, जब वहां पे दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया और भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया, तो माता सती बिना बुलाए कि मैं चले गई। जब सती ने देखा कि मैं सब देवताओं को आह्वान हो रहा है और भगवान शंकर का अनादर हो रहा है, तो माता सती ने वहाँ यज्ञ कुंड में अपनी प्राण दे दी। सती ने फिर दोबारा जन्म लिया है पर्वतों के राजा पर्वतराज हिमालय के यहाँ माता मैना की कुख में पार्वती नाम से। तो त्रेतायुग में भगवान शंकर माता पार्वती का शादी इसी स्थान त्रिनाल में भगवान विष्णु को साक्षी करके हुआ है। अच्छा। यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में 4 कुंड है, ब्रह्म कुंड है ब्रह्मा जी की तपस्या से, ब्रह्म कुंड भगवान शिव जी की तपस्या से रुद्र कुंड। अच्छा। 2 कुंड में स्नान होता है या पंचस्नान किया जाता है। यह है विष्णु कुंड। अच्छा। इसमें ओम नमो नारायण का 3 बार प्रणामित होता है। और यह है यहाँ पे नारद कुंड, छोटा सा नारद कुंड। इसमें होते हैं पितृ तर्पण। अच्छा। और ये शिव पार्वती का जोड़ा सही किया। अच्छा। ये है शिव पार्वती का विवाह स्थान मंडप। अच्छा। जैसे गया की प्रेत शिला है, हरिद्वार का कुशावर्त है, श्री बदनाथ की धर्मशिला है, ऐसी उत्तराखंड की धर्मशिला है। ये पे राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान में 125,000 मोर मोती और ये गाय बांधने का किला है। यहाँ पे 100 लक्ष्मी गाय का दान करके दिया। अच्छा। अभी लोग यहाँ पे शादी करते हैं, सालों में 100 कर शादियाँ हो जाती है। अच्छा। और गाय दान होते हैं। अच्छा। माता अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा हाँ। अच्छा। ये है भगवान ईशानेश्वर जी। ये है भगवान बजरंगबली और ये है अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का मंदिर। अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर भगवान अखंड अग्नि हवन कुंड ज्योति अखंड अग्नि अखंड अग्नि सिपात नहीं पे सब सब सप्तपदी फेरी ली थी। अच्छा। यही 3 युग से जलती है। अच्छा। लगातार जलती आ रही 12 महीने। अच्छा। उसके बाद बड़े मंदिर में भगवान के दर्शन है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, दूसरे भगवान के दर्शन होते हैं। बीच मध्य में है भगवान रण विष्णु भगवान, दाहिने तरफ डोले में लक्ष्मी जी, बाएं तरफ सरस्वती जी, भगवान के पीछे भगवान की पंचायत है, कुबेर जी, क्षेत्रपाल जी, चतुर्भुज नारायण जी आदि, गुरु शंकराचार्य जी, बद्रीनारायण जी, रामचंद्र जी। भगवान के चरणों में 108 शालिग्राम है, बताते हैं जहाँ पे नित्य शालिग्राम की पूजा होती है वहाँ पे साक्षात विष्णु भगवान जी रहते हैं। और बड़ी मूर्ति सत्यनारायण जी की है, उनके आगे अखंड चांदी का दीपक है, दीपक के नीचे शिव और पार्वती का सौभाग्य मूर्ति है और बाहर में अखंड अग्नि है जो 3 युग से जलती रहती है। पहले देवताओं से सत्य से जलती थी,
कलयुग में उसको लकड़ी के द्वारा प्रज्वलित रखा गया है और बाहर में पंचनाम देवता हैं। इसी स्थान पे भगवान विष्णु ने भादवा शुद्ध एकादशी के दिन रविवार का दिन था माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान के रूप में अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान स्वरूप में मांग कर राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया। तो भगवान ने 3 लोक को जीता था, आकाशलोक, मृतलोक और पाताल लोक। अच्छा। इसलिए 3 लोक को जीतने वाले नारायण जी के नाम से इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। बारह महीने यहाँ के कपाट खुला रहते हैं और 12 महीने में भगवान की पूजा होती है। यहाँ पर 2-2.5 फीट बर्फ गिरता है लेकिन फिर कपाट 12 महीने खुले रहते हैं और 12 महीने दर्शन होते हैं। अच्छा। और 12 महीने अखंड लकड़ी जलती रहती है। अच्छा। जिसमें लकड़ी लगाए तो हम होता है। अच्छा। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब चलते हैं भैया। अब मैं पुनः गाड़ी लेकर के निकल चुका हूँ सीधे सीधे तुंगनाथ या मदमहेश्वर। अब देखो अभी भी फिक्स नहीं है कि तुंगनाथ जाएंगे या मदमहेश्वर जाएंगे। कुल लगा करके तिरुगी नारायण मैं आकर के बहुत अच्छा लगा। सच में मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा रहस्य है यहाँ पर और इस टाइप का। खैर मैंने सुना था कि यहाँ पर शिव विवाह की मतलब शिव विवाह हुआ था। खैर ज़्यादा तो जहाँ जाते हैं ना उसके बारे में तभी जाकर के पता चलता है गहराई से। धीरे धीरे निकलते रहते हैं। अब देखो आज कितनी दूरी तय हो पाती है। इतनी दूरी कल बाबा केदारनाथ के मंदिर में जाने के लिए थी और उतनी ही दूरी मुझे पता चला है कि मदमहेश्वर यानी जो कि हमारे यहाँ ना पंच केदार भी हैं। तो पंच केदारों में से 1 केदार मेरा हो चुका है तो 4 केदार और बचे हुए हैं। तो 4 केदार सब जगह पैदल है और लेकिन 1 जगह केदारनाथ से भी ज़्यादा चढ़ाई है जिसका नाम मदमहेश्वर बोलते हैं। अब देखो कितना टाइम लगता है यार, देखते हैं। कोई फिक्स नहीं है। यहाँ से मदमहेश्वर लगभग 88 किलोमीटर है। सोनप्रयाग से होते हुए अभी मैं गुप्तकाशी पहुँच चुका हूँ। मैं आपको बता दूँ ना मुझे मदमहेश्वर कहाँ जाना पता है वहाँ, और केदारनाथ कहाँ है वहाँ। तो वहाँ यानी ठीक उस पहाड़ी के उस साइड जाना है मुझे। तो अब यहाँ से रोड नीचे उतरेगी, नीचे से फिर चढ़ाई जाएगी, फिर सामने जो गांव दिख रहा है ना वहाँ से होते हुए। गुप्तकाशी से जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे उतरते ना एक कुंड पड़ता है और कुंड से फिर हमें जाना होगा लेफ्ट और राइट वाला रास्ता जाएगा रुद्रप्रयाग की ओर, क्योंकि मुझे जाना है तुंगनाथ वाले रास्ते में। अब रोड सही है, अभी तो रोड इतना खराब ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो। अभी यहाँ से ऊखी मठ ओनली 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों अभी मैं ऊखी मठ पहुँच चुका हूँ। वैसे ऊखी मठ मार्केट यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है और श्री मदमहेश्वर यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न लेना होगा श्री मदमहेश्वर प्रवेश द्वार। तो ये है रास्ता श्री मदमहेश्वर का। मैं आज तुंगनाथ नहीं जाऊँगा, श्री मदमहेश्वर की ओर जा रहा हूँ। तो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दिखा रहा है। उसी में आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ पैदल ट्रैक भी है जो कि 19 से 20 किलोमीटर का है। अब एग्जैक्ट मुझे अभी पता नहीं है, अब थोड़ा आगे चल के मुझे पता चल ही जाएगा। इस वाले रास्ते में ना भैया गड्ढे इतने ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ड्राइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सच बताऊँ तो कभी ऊपर कभी नीचे, एक तो सिंगल रोड है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सुना से मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, कम से कम 6-7 किलोमीटर। तो यहाँ से भी अभी 12 किलोमीटर दिखा रहा है। मुझे लगता है कि वहाँ जाते जाते ना आज अंधेरा हो जाएगा। बस भैया रोड ऐसी है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। अभी वहाँ से रास्ता वहाँ से होते पता नहीं कौन से पहाड़ पे जाएगा, मुझे कुछ पता नहीं है। जब मैं ऊखी मठ से इधर को आ रहा था ना, ऊखी मठ हो गया आपका और मनसूना हो गया और उसके ठीक अपोजिट दिख रहा था गुप्तकाशी। बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना जाते समय ये सभी कुछ कवर करेंगे। अभी तो वैसे ही ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो चला है तो गाड़ी से उतरने का मन नहीं कर रहा था। तो फाइनली जाते समय दिखाएंगे। अभी तो जैसे तैसे पहुंचना है मुझे श्री मदमहेश्वर का जो लास्ट स्टेशन है वहां तक। तो फाइनली गाइस ना आज के इस वाले ब्लॉग में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। आप लोगों ने देखा कि सुबह वहां से तिरुगी नारायण ही कंप्लीट हो पाया और वहां से यहां तक की राइड हो रखी है बस। और फाइनली गाइस ना फिलहाल इस वाले ब्लॉग को करते हैं यार एक पर एंड। कल वाले ब्लॉग में दिखाएंगे आपको फिर नेक्स्ट जर्नी कहाँ से कहाँ तक की होती है और मैं आज शाम कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। आई होप कि मैं
पहुंच जाऊं सही से और टाइम से। और फिलहाल गाइस इस वाले ब्लॉग को करते हैं आज ऐसे ही एंड। आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। यदि ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल सुबह एक नए दिन की शुरुआत के साथ सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये रहा मेरा सामान और फाइनली मैं मदमेहसर के लास्ट स्टेशन यानी ही रांसी गांव में पहुंचा हूं। और अब कहां पर रुका हूं तो कल वाले वीडियो में आपको पता चलेगा। फिलहाल थकान हो रहा है, रेस्ट करते हैं भैया। बाय बाय।